मुगलों ने साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने आके साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराया, और आजादी के 75 साल के बाद भी स्वतंत्र भारत में साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। और इस धर्मांतरण का दुष्परिणाम है कि देश की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। कश्मीर में हिंदू खत्म हो गए, मणिपुर में हिंदू खत्म हो रहे, मिजोरम में हिंदू खत्म हो गए, मेघालय में हिंदू खत्म हो गए, सिक्किम में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे, केरल में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे, गोवा में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे, और अब तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है। पंजाब में तो पूछिए मत, इतना तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है कि उसको कह पाना मुश्किल है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट चर्च ऑफ वर्ल्ड पंजाब में जालंधर में बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है? विदेशों से फंडिंग आ रही है। हमने फंडिंग रोकने का कोई काम नहीं किया, इसलिए इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहा है। इस्लामिक कन्वर्जन के लिए खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन करने के लिए यूरोप से और अमेरिका से एफसीआरए के जरिए पैसा आ रहा है। हमने फंडिंग पे रोक नहीं लगाई, इसलिए कन्वर्जन नहीं रुक रहा है। जब तक विदेशी चंदा जो आ रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है, चाहे वो हवाला के जरिए आ रहा है या एफसीआरए के जरिए आ रहा है, ये नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। एफसीआरए 2010 में कांग्रेस ने बनाया इसीलिए था, केवल और केवल यहां पे जो भारत विरोधी एनजीओ हैं, भारत विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारत विरोधी पत्रकार हैं, भारत विरोधी संस्थाएं हैं, उनको फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए बनाया गया था, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए। एफसीआरए 2010 में कांग्रेस ने बनाया था माओवादियों नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, और वो एफसीआरए आज भी चल रहा है। हालांकि कई एनजीओ का लाइसेंस रद्द हुआ, लेकिन जब तक वो एफसीआरए है ना, तब तक एनजीओ का लाइसेंस रद्द करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कंप्लीट उसको रिपील करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, और भारत के अंदर नशा तस्करी से जो पैसा कमाया जा रहा है वो पूरा का पूरा कन्वर्जन में जा रहा है। यह आपको भी पता है कि भारत में जो ड्रग स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क चलाता कौन है, जो ड्रग स्मगलिंग से हर साल अरबों रुपए आ रहा है, वो जा कहां रहा है? ड्रग स्मगलिंग का पूरा पैसा भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है। एक तो ड्रग हमारे स्कूल कॉलेज में फैलाई जा रही है, हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, ऊपर से जो पैसा आ रहा है उसी से कन्वर्ट भी किया जा रहा है। पंजाब में जो कन्वर्जन का पूरा खेल चला है, वो पहले नशा मुफ्त में बांटा गया, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया गया, जब वो नशेड़ी हो गए वहां के युवा और वहां के लोग, फिर उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। दलितों को, ट्राइबल्स को, आदिवासियों को बहुत बुरी तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, और कैसे? पैसे की लालच देके, हॉस्पिटल में इलाज का लालच देके, स्कूल में एडमिशन करा के और युवाओं को नशेड़ी बना के। यह धर्मांतरण तब रुकेगा जब नशा तस्करी रुकेगी, क्योंकि सारी के नशा तस्करों से एक तो बच्चों को नशेड़ी बनाया जाता है, जो पैसा कमाया जाता है उसे धर्मांतरण कराया जाता है। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी के लिए कानून बनेगा। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलकर करते हैं। तो धर्मांतरण तब रुकेगा जो उस पूरे गैंग में शामिल है, उस पूरे सिंडिकेट में शामिल है, सबके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों और उनके सहयोगियों पर एनएसए लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस एनएसए लगाती नहीं है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस यूएपीए लगाती नहीं। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में लिखा नहीं है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। मकोका महाराष्ट्र में है, उसमें लिखा नहीं है धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। गुजरात में गुजकोका है, लेकिन लिखा नहीं है गुजकोका कानून में कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो इसलिए न महाराष्ट्र मकोका लगाती है, न गुजरात में गुजकोका लगता है, न यूपी में गैंगस्टर एक्ट लगता है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। अल्टीमेटली ये धर्मांतरण मुगलों के समय किया गया यहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए।
अभी भी किया जा रहा है केवल और केवल यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए। तो ये जो धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वार की अगर धारा लगा दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, उनको आजीवन कारावास फांसी दिया जाए, तो धर्मांतरण करा एकदम बंद हो जाएगा। लेकिन जो वेजिंग वॉर की धारा है उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण एक देशद्रोह है। जो लोग भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्व मंगल मांगल्य मानते हैं, उनको विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, उनको फॉरेन के रिलीजन में कन्वर्ट करना, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है। लेकिन धर्मांतरण को कानून में देशद्रोह घोषित नहीं किया गया, न पुराने वाले आईपीसी में घोषित किया गया, नई वाली भारतीय न्याय संहिता में घोषित किया गया। तो धर्मांतरण कराने वालों पर देशद्रोह भी नहीं लग रहा। हमने जो नया भारतीय न्याय संहिता बनाया उसमें धर्मांतरण पे कोई चैप्टर नहीं है। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। आप जरा सोचिए, किसी के आपने धर्म के बारे में कुछ बोल दिया वो अपराध है, लेकिन किसी को आपने झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के उसको कन्वर्ट कर दिया वो अपराध नहीं। इसीलिए मुगलों के समय भी धर्मांतरण हुआ, अंग्रेजों के समय भी धर्मांतरण हुआ, और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। और इस धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, हम 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, हम 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, हम 900 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। आप जहां रहते हैं ना, वहां पता करिएगा, आपके आसपास भी धर्मांतरण हो रहा होगा, आपके आसपास भी धर्मांतरण हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन पहचान नहीं, अपनी पहचान पुरानी रखते हैं। उदाहरण के लिए आपके यूपी में, बिहार में लोग क्रिश्चियन बन गए लेकिन रिजर्वेशन के लिए वो बताते नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, होली दिवाली नहीं मनाते, लेकिन रिजर्वेशन के फायदे के लिए अपना अभी भी दलित बने हुए हैं या जो भी है, आदिवासी बने हुए हैं, एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए समय आ गया है धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने के साथ साथ घर वापसी के लिए कानून बनाया जाए। आखिर एक अगर योजना हम लॉन्च कर दें कि भाई जो आदमी विदेशी रिलीजन को छोड़ेगा और दोबारा भारतीय रिलीजन को अडॉप्ट करेगा, सिख बनेगा, जैन बनेगा, हिंदू बनेगा, उसको हम लाभ देंगे, उसको हम 5 लाख रुपए देंगे घर वापसी, देखिए फटाफट लोग घर वापसी करना शुरू कर देंगे। घर वापसी जैसे हुई मुगलों के समय में, डरा के, धमका के, लालच दे के वापस घर वापसी, जैसे धर्मांतरण हुआ था मुगल काल में, घर वापसी के लिए भी कुछ वैसे ही हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। घर वापसी तब होगी जब सरकार इसके लिए कुछ स्कीम लेके आएगी, केवल समाज के उससे नहीं। और एक बात याद रखिएगा, तूतू मैमें करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण कराने वालों का वीडियो शेयर करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण कराने वालों के बारे में उल्टा सीधा कहने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। वो लगातार जारी है, लगातार चल रहा है, और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। आपके जिले में भी धर्मांतरण हो रहा होगा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हो रहा है, 100% हो रहा है। ऐसा भारत का कोई जिला नहीं जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण तब रुकेगी जब विदेशी फंडिंग रुकेगी, धर्मांतरण तब रुकेगा जब से FCRA खत्म होगा, धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, धर्मांतरण कराने वालों उनके मददगारों की नागरिकता खत्म होगी, धर्मांतरण कराने वालों उनके मददगारों को 10 से 20 साल सजा का कानून बनाएगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया जाएगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को वेजिंग वॉर घोषित किया जाएगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित किया जाएगा, यानी धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ NSA भी लगेगा, UAPA भी लगेगा, गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा भी लगेगी और देशद्रोह की भी धारा लगेगी, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो एक बात याद रखिए, गांधीवाद की बात करने, अंबेडकरवाद की बात करने, समाजवाद की बात करने, लोहियावाद की बात करने, राष्ट्रवाद की बात करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय बोलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। राम कथा करने, कृष्ण कथा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। भागवत कथा से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। मठ मंदिर बनाने से भी धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, जैसा मैं कानून कह रहा हूं ऐसा अगर बना दिया जाए, 100% धर्मांतरण रुकेगा। और धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगार दोबारा कभी जरूरत नहीं करेंगे किसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की धर्मांतरण कराने के बारे में।